मिर्जा लुकमान ने निदा के साथ टीन एजेस में सेक्स किया, अपनी बेटी के साथ सेक्स किया, अपनी बहू बेटियों के साथ इस्लाम क्या कर रहा है ये आप सुने? मुफ्ती क्या कह रहा है, भाई तूने अपने आप को पेश किया उसको? वो कह रही है मैंने पेश नहीं किया, रो रही है, कह रही मैंने पेश नहीं किया, उसने मेरे साथ सेक्स करने की कोशिश की है, रेप करने की कोशिश की है, वो तो शुक्र है उसका खानी वाला भाग गई। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों शरिया एक इस्लामिक कानून है, मुस्लिम वर्ग इसे बहुत अच्छा कानून समझता है, पर इसके विषय में किसी को भी सही जानकारी नहीं है। मुस्लिम वर्ग के उच्च घरानों की महिलाओं को भी शरिया न्याय नहीं दिला पाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप इस डिबेट में देखने वाले हैं। ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के साथ उनके सगे संबंधी या रिश्तेदार ही बुरा काम करते हैं, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। इस्लामिक कानून ऊपर ऊपर से कुछ और दिखाया जाता है, पर असल में उसकी सच्चाई कुछ और ही है। जो महिलाएं ये समझती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये वीडियो उनके लिए खास है। इस वक्त जो हमारा कादियानियों का सबसे बड़ा जो इमाम है वो है मिर्जा मसरूर अहमद। ये इस वक्त पांचवा खलीफा है। इसका जो बाप था ना मिर्जा नासिर अहमद, इसने पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी में अर्ली 70 में या लेट 60 में, मुझे भूल गया कब लड़ाई लड़ी थी। इसने लड़ाई लड़ी थी सुन्नियों के खिलाफ, और वो लड़ाई लड़ने की वजह क्या थी? वो लड़ाई लड़ने की वजह ये थी कि यहाँ पे अहमदी जो हैं वो प्रोसिक्यूट किए जाए, जिसमें ये केस हारा और इन लोगों को नॉन मुस्लिम करार कर दिया गया। जैसे इन लोगों को नॉन मुस्लिम करार कर दिया गया, ये लोग डिफरेंट अदर कंट्रीज में भागे, मतलब के कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि अब ये प्रोसिक्यूटेड हो गए थे और ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भागे। मिर्जा निसार अहमद का बेटा मिर्जा लुकमान सबसे पहले बाहर की कंट्रीज में भागा था। He was the first guy to run away. मिर्जा निसार अहमद चौथा खलीफा था, वो निदा का दादा है। निदा मिर्जा लुकमान की बेटी है। आजकल जो बड़ा बेटा है मिर्जा मसरूर अहमद, जो कि कजन है मिर्जा निसार का, यानी वो निदा का कजन है, वो इस वक्त खिलाफत में है। मिर्जा लुकमान ने निदा के साथ टीन एजेस में सेक्स किया, अपनी बेटी के साथ सेक्स किया, सगी डॉटर, और एक दफा नहीं किया, मल्टीपल टाइम किया। अब देखिए यहां पे निदा अब किससे बात कर रही है? खलीफा के साथ, वक्त के खलीफा के साथ। वक्त का खलीफा कौन है? मिर्जा मसरूर अहमद, ये वक्त का खलीफा है। और निदा वक्त के खलीफा के साथ बात कर रही है और कह रही है कि मेरा रेप हुआ है मल्टीपल टाइम, मेरे बाप ने किया है, मेरी मदद करो। सबसे खास ये है कि ये कोई 1400 साल पुरानी घटना नहीं है, आज के आधुनिक समय की है। आइए सुनते हैं क्या बात हो रही जी। वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ अच्छा क्यों? अच्छा बहरहाल बात यह है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, तभी जुल्म मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। बात यह है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जिसके लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है, ये है जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन सल्लम ने इग्नोर किया, और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा सब करो, सिवाय इसके कि दोनों फ्रीक तस्लीम करने वाले हों। नहीं जी, रसूल ने भी कहा दोनों फरीक चुप रहो, या जब दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। ये खलीफा वक्त है इस वक्त इनका, वो इस चीज से 100% एग्री कर रहा है कि चुप रहो या दोनों एग्री करने वाले हों। अब उसका बाप तो एग्री कर नहीं रहा कि मैंने लड़की का रेप किया, लड़की कह रही है मेरा रेप हुआ, एक दफा नहीं हुआ मल्टीपल टाइम हुआ। इस्लामिक शरा के मुताबिक अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका बाप एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो लड़की पे हद लगती है। ये अभी आगे बताएगा, वो सुनते जाए। नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट हैं, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है, आन सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। आन सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आन सल्लम ने उसके ऊपर आगे भी कोई पेशकश नहीं की। सुना आपने सबूत क्या है ये नहीं हमने मानना, अगला तस्लीम करता है कि नहीं करता,
अगर अगला तस्लीम नहीं करता, चार गवाह चाहिए, चार गवाह चाहिए। देखिएगा आगे। जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो, तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। मेरा हक क्यों नहीं मारा जा रहा? 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। नहीं 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 उठाया तो ठीक है, ये यही गलती है ना मेरी। नहीं जी नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल गवाही जो शरीयत वाली है और कुछ नहीं। तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। क्या बेहतरीन बात की है इसने, सुना है आपने? ये जाके भी अपनी वेबसाइट सही करो ना, वहां पे लोगों को क्यों झूठा बोल रहे हो सालो? लोगों को झूठ में क्यों डाला हुआ है? मुझे कुछ और बोल रहे हो, वेबसाइट में कुछ और लिखा हुआ है सालो। तो यहाँ पे फिर अपनी वेबसाइट सही करो तुम लोग, वेबसाइट में कुछ और है, इस्लामिक कानून कुछ और है, जब शरा के कानून में आओगे कुछ और, वेबसाइटों पर कुछ और, क्योंकि वो तो वेस्ट को पागल बनाने के लिए रखी हुई है, वो तो नॉन मुस्लिमों को पागल बनाने के लिए रखी हुई है। अहमदिया इस्लाम भी असल में इस्लाम है, द सेम स्टूपिड बुलशिट वहां भी है। एस मुस्लिम मूवमेंट इस्लाम के हर एक कल्ट को आप लोगों के सामने खोल खोल कर रख रहा है। इनकी अपनी बहु बेटियों के साथ इस्लाम क्या कर रहा है ये आप सुने? वक्त का हाकिम बोल रहा है, मुझे ये मत बताओ ये नॉन मुस्लिम है। साले नॉन मुस्लिम ये खुद हुए पाकिस्तान के अंदर जानबूझ के, ताकि इन्हें पाकिस्तान से बाहर असाइलम मिल सके, वहां पे जाके ये स्टॉल लगाते हैं, आज का मुस्लिम वाला वेबसाइटें बनाते हैं, लोगों को पागल बना के अहमदिया मुसलमान बनाते हैं। साले उनकी अपनी बहु बेटियों के साथ क्या हो रहा है वॉच। और जितनी भी हमारी बहु बेटियां हैं, काफिरों की बहु बेटियां, सुनो, तुम लोगों को इस्लाम बड़ा अच्छा लगता है, केरला स्टोरी बनने के लिए तैयार हो जाती तुम लोग, तुम्हारा अब्दुल ऐसा नहीं होता। तुम ये देखो तुम्हारे वक्त के हुक्मरानों की अपनी बहु बेटियां किस तरह अपने हुक्मरानों के आगे रो रही हैं। लिसन, ना चार के बाद चाहिए, अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। अडल्ट्री में, ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। दूसरी बात होगी रेप की, अगर एक शरीफ ये कहते हैं कि मैंने रेप किया, अगर तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर मैंने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर उसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं औरत ने सबूत पेश किए थे। नाउ लुक एट दिस, इस बंदे ने झूठ बोला यहाँ पे भी, इसने उल्टा कर दिया। लेकिन एनी हाउ वंस अगेन, दोनों फ्री कैन अगर एग्री नहीं होते तो इल्जाम लगाने वाले को 80 करोड़ की हद पड़नी है। दोनों फ्री कैन एग्री होंगे, मेरा रेप हुआ है, किसने किया है? फैजू ने किया है। फैजू कहेगा हाँ मैंने किया है, वरना चार गवाह चाहिए। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि चार गवाह अगर देख रहे हैं कि फैजू रेप कर रहा है किसी का, तो वह साले फैजू को रोकेंगे क्यों नहीं? लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज इस्लाम इन रियलिटी इन एसेंस। अच्छा एडम, इसमें एक पॉइंट और भी देखो, वैसे तो रसूलुल्लाह ने ऐसा मुसलमानों का क्लेम होता है कि बहुत सारी पेशेंट गोइयां बताई है, बिल्डिंग्स होंगी, ये होंगी, वो होंगी। रसूलुल्लाह ने या अल्लाह ने ये पेशेंट गोई क्यों नहीं बताई कि आगे जाके एक जमाना आएगा जिसमें चार गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जिसकी बुनियाद पर साबित हो सकता है कि किसी ने रेप किया या नहीं किया। साहिल भाई, ये कुरान है ना, असल में कुरान की हद नहीं छोड़ सकते आप, यही तो प्रॉब्लम है। रसूलुल्लाह के ऊपर तो ये शरा बिठा लेते हैं, ठीक है, उसमें आ जाता है ये क्या नाम लेते हैं उसका, मुज्तहिदीन का इज्तिहाद आ जाता है, मगर ये कुरान चैप्टर नंबर 24 की आयत नंबर 1-6 है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि आप कुरान को कैसे बदलेंगे? रसूलुल्लाह ही गंगाधर ही शक्तिमान था, आपको पता ना, तो वो गंगाधर ने जब, वो जो शक्तिमान है उसने जब कुरान में बोल दिया ना, यहाँ पे गेम खराब हो जाती है, यहाँ पे इज्तिहाद कैसे बने? और इतिहाद के लिए तमाम मुश्तहिदीन को इकट्ठा होना पड़ेगा, आप तमाम मुश्तहिदीन इकट्ठे नहीं होते इस बारे में, वो कहते हैं कुरान में हम जब ये लिखा हुआ प्रूव्ड है तो हम कैसे इकट्ठे हों? यू सी द प्रॉब्लम? यानी अगर शरीयत, शरीयत अगर किधर नाफिस हो जाए कुरान वाली,
तो उसमें फिर ये जितने भी क्या कहते हैं उसको फॉरेंसिक जांच जो होती है ये सब कुछ मायने की नहीं, बिकॉज एट द एंड यू नीड फोर क्या कहते हैं उसको विटनेसेस. विटनेसेस, यस चार गवाह चाहिए आपको। यस भारत का कानून सबको बराबरी का दर्जा देता है, फिर भी कुछ लोगों को इस्लामिक कानून ही चाहिए। अगर शरीयत नाफिज हो जाए साले मुस्लिमों के लिए भी एक प्रॉब्लम है, बता देता हूँ आपको. ये मुस्ला जो लेट्स से के वो फौजी बन जाता है, ठीक है, फौज में चला जाता है, वो 2 साल बाद घर आता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, 2 साल बाद घर आया, बीवी प्रेग्नेंट है. इमाम शाफी की फिका के मुताबिक 4 साल तक अगर वो बच्चा जान दे तो तेरा ही है, 4 साल तक अगर बच्चा जान दे तो तेरा ही है. आपको ये भी दिखाऊंगा अभी शरा इस्लामिया के अंदर दिखाऊंगा, फॉर 4 ईयर्स तो बच्चा तेरा है. ये तो मुफ्ती तारिक जो है वो भी कन्फेस करता है इसको, तो कन्फेस करता तो बिल्कुल वो करना ये चाहिए तो, उसे, और अगर वो वो शाफी कहता है फका को कि मानता है तो उसे कन्फेस करना नहीं, पड़ेगा, मजबूरी है उसकी. फोन पे आपका निकाह हुआ और दूसरी तरफ दूसरी कंट्री में अगर आपकी बेबी प्रेग्नेंट हो गई तो वो बच्चा आप ही का ही है। हाँ 4 साल तक आपका है, कोई डीएनए शीएनए नहीं. साहिल कैसी बातें कर रहे हो यार, डीएनए शीएनए नहीं है बार में. हेलो ये जो फोन पर कॉल करके बात करते हैं मियाँ बीवी और कुछ महसूस होने लगता है तो उससे भी मतलब हमल ठहर जाता है क्या? सर, ये इस्लामिक लोगों से पूछे बार तो अभी चेंज होगा, इसको आगे चलते हैं. और सबूत पेश किए थे? ना और सवाल ये है कि दोनों फरीका हैं ना ना ना, जब आया आती है जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत पेश किए हैं. हाँ शरीयत पता है ना, तो वो बता रहा हूँ जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक करूंगा वो क्या शरीयत है जो मुझे पता है. देखा क्या चपेड़ मारी है, जो तुम्हें शरीयत पती है ना उसका नहीं मुझे पता, मुझे जो शरीयत पड़ी है उसको सुनो. तुम चपेड़ मारी है उसके ऊपर, कह रही है मैंने सबूत प्रेजेंट किया था, सबूत ही चाहिए. वो तो यही है कि दो तरह की सूरतें होती हैं, एक ये कि चार गवाह लाए जाएं, तीन तरह की अडल्ट्री में, अडल्ट्री में, रेप में नहीं, एक ये कि चार गवाह लाए जाएं अडल्ट्री में. अडल्ट्री हो या रेप हो कोई नहीं, नहीं ना 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 बिल्कुल नहीं. स्कॉलर क्या कह रहा है, अडल्ट्री हो या रेप हो, चार गवाह. कह रही है नहीं, तुमने वेबसाइट में कुछ और लिखा हुआ है, अपनी वेबसाइट चेंज कर, तुमने वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है. बेचारी रो रही है, तुमने वेबसाइट में कुछ और लिखा हुआ है. वो कह रहा है नहीं, वेबसाइट में लिखा हुआ छुपी हुई बात लिखी हुई है. रेप में, हाँ नहीं, मैंने कहा मुझे पता है कि इकरार में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं, फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें अपनी. हाँ बाद में कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी. बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो ना पहले, अपनी ना बोलियो, मैंने बात कंप्लीट की, ऑडिशन का देती हूं मैं, बता रहा हूं तुम्हें, तीन सूरतें होती हैं, एक चार दीवार लाने की एक सूरत में, एक दुनिया भी सूरत है, तो दोनों को करना था. अगर दोनों सही इकरार करते हैं तो फिर सजा मिलती है, और अगर नहीं करते तो फिर सजा नहीं मिलती, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है, मगर मैंने जो सबूत पेश कर चुकी हूँ उसमें 12 लघवियात साबित हो रही है. आप तो कह रहे हैं मैंने लघवियात भी नहीं है औरतों से हटाना. जितना मैं जानता हूँ उसमें ये है, बाकी रेप के लिए भी गवाहों की जरूरत है. अच्छा ठीक है, जो मैं खैर इसको नहीं आपसे एग्री कर रही, ठीक है, वो मैं आपको इस लड़की के एग्री करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है, यही मुसलमानों का रोना है. हमारे पास भी मुसलमान आके कहते हैं हम नहीं एग्री करते, तुम क्या दिखा रहे हो. वो लड़की भी यही रो रही है इस वक्त, मैं नहीं एग्री करती, तुम क्या दिखा रहे हो, वेबसाइट पर तुमने कुछ और लिखा हुआ है. वो कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम वेबसाइट बताएगी, नहीं तुमने वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है, तुमने वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है, लो रो लो वेबसाइट को. जब शरण ऑफिस आएगी ना तब वो वेबसाइट तुम्हारा साथ नहीं देगी, तब जो तुम्हारे हुक्मरान है ना वो बनाएंगे, वो बनाएंगे कानून. हु द हेल आर यू, हु व्हाट इज द वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, तुम्हें तुम्हारे स्कॉलर उलुल अमर बताएंगे असल चीज क्या है. वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है, मैं बताऊंगा या वेबसाइट बताएगी, ये होगा तुम लोगों के साथ. तुम्हें शरिया चाहिए ले लो शरिया, शरिया है पूरा, गर्दन से जाएगा और कहां से निकलेगा देखना. मैं नहीं आपको नहीं, कुरान पे लिखा है, कुरान में कुरान ऊपर आता है आपसे, कुरान तुमसे ऊपर आता है. क्या कहा इसने, जिस तरह मुसलमान हमें नहीं कहते कुरान ऊपर है, तुम क्या बता रहे हो. अबे मैं तुम्हें तुम्हारा शरिया बता रहा हूँ, इससे तुम्हारे स्कॉलर से सब कुछ बनाया है. नहीं, कुरान ऊपर है, हम कुरान की ट्रांसलेट करेंगे. मैं क्या बताता था, क्या कहता था, कुरान कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, जब उलुल अमर ऊपर आ गए ना उन्होंने बताना है कि जी कुरान तफसीर कैसे करनी है, शरा शरीयत कैसे है. तुम्हारे इमाम जब आ जाएंगे वो बताएंगे, उस वक्त तुम रंडी रोना नहीं मचा सकोगे जिस तरह यहां पे आके मचाते हो हमारे चैनलों पे. दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम. ये निदा बता रही है, वो उसी तरह बचपने की तरह रो रही है, और वो जो इमाम है वो क्या कह रहा है, तुम बताओगी मुझे.
मैं अभी सुन्नत और हदीस पे भी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा रेप को एक तरफ करें, इन जो गुफ्तगू हुए हैं ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट वो लफ या तो क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट साबित हो रहे। देखो मैंने तुम्हें कल पिछली दफा भी कहा था ना कि इन अल्फाज में दो दो मतलब दिन में बाकी मैंने वो भेजा है, मुझे वजाहत हो रहा होता ना क्या कहा उसने। आपने कहा वो समझा रहा था आप और आपने एक बचकाना वाली बात मान ली। नहीं मेरी बात सुनो, मैंने अब तुम्हारी जो ईमेल है वो धीमी है। नहीं नहीं मुझे वो बताएं आपका जो लफंगा जो है साला उस वो तो कह रहे मैं समझा रहा था। हाँ कसम नहीं खाने की क्या क्लियर कट किसी ने जो जिसने भी देखा है वो कह रहे हैं कि क्लियर कट आपका ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगा। ये मैं बता दूं कि ब्रिटिश कोर्ट सुभान अल्लाह। साहिल सुनो ये वही चीजें नहीं है जो मैं इन मुसलमानों को बोलता हूँ जब ये मेरे पास आके डिबेट करते हैं। फलाना कोर्ट ये बात नहीं मानेगी, मैंने क्लियर कट प्रूफ दिखा दिए हैं। वो कह रहा नहीं जो शरा में लिखी हुई उसको मानेंगे या तुम्हारे प्रूफों को मानेंगे। वो कह रही है मैंने क्लियर कट प्रूफ दिखा दिए हैं, ब्रिटिश कोर्ट नहीं मानेगा, फलाना नहीं मानेगा, सबने एग्री कर दिया। वो कह रहा नहीं शरा नहीं मानती। साहिल लुक एट दिस बेचारगी, देख इस बच्ची की। जब इतने ऊंचे घर की महिला को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो सोचिए आम आदमी की क्या हालत होगी। इसके बावजूद भी ये हमारे जो मोमिन मासूम मोमिन हजरात है क्या लगता है सुधर जाएंगे? I don't know, अगर किसी का दिमाग खुलना चाहिए, नहीं खुलेगा तो क्या कर सकते सर, हमारा काम है दिखा देना, पढ़ा देना, समझा देना। और स्पेशली जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं, बहनों बेटियों प्लीज समझो ये हाल होना तुम्हारा। एटलीस्ट या चलो हमारी नॉन मुस्लिम बहनें बेटियां समझें साहिल, ये नहीं समझती है तो समझें। राइट, बेचारी की मजबूरी देख साहिल यार, सीरियसली किस तरीके से रो रही है चला रही है। और सुनते हैं, और सुनने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। और किससे बात करिए? वक्त के इमाम से। सर इससे बड़ा बंदा कोई नहीं है, काजी से बात नहीं कर रही, वक्त के इमाम से बात कर रही है, द टॉप नॉच। ये मैसेज मुस्लिम और काफिर दोनों के लिए। एब्सोल्युटली 26 में फिर अल्लाह रहम ही करे, मैं ये बस कह सकती हूँ। अल्लाह कैसे रहम करेगा? हाँ बहरहाल वो आप ब्रिटिश हुकूमत की सुप्रीम हेड नहीं है, ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगी, कोई अदालत नहीं मानेगी कि इसमें लफ्जियात नहीं है। नहीं नहीं मैंने नहीं छोड़ना, ये आप सुन ले मेरे से, मैंने किसी हाल और किसी सूरत में मैंने नहीं छोड़ना। ताकि नसीहत गलत है, इस्लाम के खिलाफ जाती है। होते आप ये बातें ना कर रहे होते, आपको जेब भी नहीं दे रही हजरत साहब ये बातें। वो सही कह रहा है तुम फंस जाओगी तुम बैत में हो। अच्छा दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर ये इसकी बैत छोड़ देती है ठीक है, तो इसकी और इसकी माँ की जितनी भी जायदाद है, क्योंकि मिर्जाई खानदान से है निदा, जैसा कि मैंने बताया दादा एक ही है ठीक है, मर्दई खानदान से सारी जायदादें खत्म होती हैं और आना में जो पैसे पड़े हैं वो खत्म होते हैं। उसके अलावा ये अगर जाके कोर्ट में केस करती है तो ये इसको पीछे से बैक नहीं आएगी अपने इन लोगों की, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसको पूरी इस कौम की बैक आएगी। तो फंस गई, अकेली हो जाएगी, बैत कैसे छोड़ दे, बैत भी नहीं छोड़ सकती। और चूंकि मिर्जा खानदान से है तो बैत खुद मिर्जा खुद भी नहीं छुड़वा सकता इसकी, इसको अपने मुंह से छोड़ना है, तो लिहाजा बैत भी नहीं छोड़ रही। बैत कैसे छोड़े, कहती बैत नहीं छोड़ूंगी। अच्छा बैत भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन कानून भी तो चेंज किया, कानून वो चेंज नहीं कर सकता, इस्लामिक कानून है, डिक्टेट नहीं कर सकते। मेरे सारी चॉइसेस मेरे सामने हैं, और जब ये मेरे पहचानने वाला हफिंगटन पोस्ट में काम करता है, ये जब दुनिया में खुले
पहले ये क्योंकि मुझे ये मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी, इतना शर्म है यार मेरे अंदर। ये वाला ये पूरा डेड। लिसन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक बंदे ने इसके साथ रेप करने की कोशिश की, सुनिएगा यहां से, मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड किया। हां हां जी, मुझे बैठ का मतलब पता है, एलिजेंस लेना किसी का। एलिजेंस देना अपना, अपनी पूरा अपना आप। तो वो कह रहा है बैत का ये मतलब है, तुम पुठा मतलब समझ रही हो। सो एलिजेंस नहीं है, बेच देना है बैत का मतलब। इस्लाम इंसान को भेड़ बकरी समझता है, अगर एक बार इसे अपना लिया तो जीवन भर गुलाम बनकर रहना पड़ता है। बैत का मतलब भी समझा दिया, लोग पूछ रहे थे बैत क्या है। कंजर खाना खुला हो या हाथ खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ, आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर बशीर लगे हुए हैं, मोमोज शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है हाथ खास। देखा क्या, आमिर भाई ने भी पहले ऐसा करने की कोशिश की, कजन ने, आमिर भाई का इरेक्शन नहीं हुआ, उसने कोशिश पूरी की और इसने स्प्रिंट मारी। अब वो मुफ्ती क्या कह रहा है, भाई तूने अपने आप को पेश किया उसको, वो कह रही है मैंने पेश नहीं किया, रो रही है, कह रही मैंने पेश नहीं किया, उसने मेरे साथ सेक्स करने की कोशिश की है, रेप करने की कोशिश की है, वो तो शुक्र है उसका खड़ा नहीं हुआ, भाग गई। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इस्लाम को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।